मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। अब क्या कहने आए तू? What do you want to hear? तू सही कह रहा था कार्तिक, शायद गलती मेरी है। तूने कितनी बार मुझे वॉर्न किया लेकिन मैंने तेरी बात मानी नहीं। तू बार बार बोलता रहा मुझे that I like that girl। तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा लग सकता है, उसे भी तो लग सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा था लाइक। सिर्फ होली के दिन उसे रंग लगाया तो उसे लगा कि मैं उसे, यार मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों उसे रॉन्ग हिट्स दूंगा, मैंने कभी उसे गलत आइडिया नहीं दिया है। उसकी शादी मयंक से होने वाली थी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे। उसे प्यार हो गया आपसे कार्तिक, इतनी तकलीफ तो सच्चाई देती रहा भाई। ईश्वर आपने उसको कोई भी हिंट नहीं दिया, आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसको लेके आप उससे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतना फर्क नहीं है जितना मेरे और इश्की में। मैं ना अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता हूँ और उसके लिए फैमिली, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी फैमिली के बारे में। तभी तो आज उसने दो फैमिलीज को बर्बाद कर दी, और किस लिए किया उसे बर्बाद? उस प्यार के लिए जो कभी था ही नहीं। प्यार तो था भाई, है भी, रहेगा भी, क्योंकि भाई इश्क पर जोर नहीं, प्यार ना भाई बहुत जिंदगी होता है। अब कितना भी रोक लो ना उसको, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेता है भाई। वो प्यार को नहीं समझते भाई। तू मुझे नहीं समझता, मेरे और इश्की के बीच में ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। सोनू, ये सोनू ठीक तो है ना? ना, रोना नहीं। मुझे पता है, शादी उसकी की टूटी है। तमाशा तो तेरे ब्याह में हुआ है ना? बहुत बुरा लगा होगा ना तुझे? बुरा तो लगा चाची, लेकिन अपने लिए नहीं। इसके फिर से अकेली रह गई चाची। जितना मैंने इश्की को पहचाना है मुझे पक्का पता है वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना वजह अपनी शादी तोड़ दे। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। सोनू, तुझे पता है कि क्या बात हुई है? चाची को तो सच बता सकती हूँ, पूरी फैमिली में सिर्फ चाची ही है जो ना भैया को बताएंगी ना दादी को। चाची वो रितु, तू इतने क्या कर रही है? जा सुमन जी को जाके संभाल। हाँ जी मम्मी जी। सोनू जा अपनी सास के पास जा, कहीं उसे ये ना लगे कि तू इश्की टाइप की लड़की है। कार्तिक मुझे नहीं याद कि उस रात मैंने पूल पे क्या कहा क्या की, मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात की वो सबसे बड़ी बात नहीं थी,
उससे बड़ा भी कुछ हुआ था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग है अभी, वो है गुस्सा। मैंने मयंक से शादी तोड़ के गलती की, क्योंकि मैंने शादी बहुत देर में तोड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मयंक से घटिया, मयंक से गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। तुम इतना नाराज क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना? बहुत कुछ हुआ है। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी मुझे एक अच्छी लड़की समझा है ना, तो मेरा यकीन करो। और अगर नहीं कर सकते तो मेरी किस्मत। इस लड़की की एरोगेंस इसे अभी भी बात करने नहीं दे रही। झूठों की ना एक पहचान होती है कार्तिक, वो कभी भी नजर मिला के बात नहीं करते, हमेशा नजर चुरा के बात करते हैं। लेकिन तू मुझे देख, मैं सबसे नजर मिलाकर बात करता हूँ और हमेशा ये कहने के लिए तैयार होता हूँ कि जो फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं ना, वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं। आई हेट फैमिली ब्रेकर्स। सब कुछ मेरी वजह से हुआ और ब्लेम आया बेचारी इश्की पर। सोनू, तुम और आज रूम में जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है रिया, अब चलते हैं। पर मॉम, रूम में बात कर लेंगे ना, अब चल। आंटी पानी। आंटी जी, आप कितने लकी हो ना, आपको रिया जैसी लड़की मिली। आई विश मुझे भी ऐसी बहू मिलती, उसकी इश्की जैसी नहीं। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना सोनू। मैं बस एक बार इश्की से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ सोनू, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आखिर पता तो चले कि इश्की ने ऐसा किया क्यों। And I'm sure कि जो भी कुछ हुआ है वो उस मयंक की गलती होगी। Anyway, you go talk to her. Thank you. Bro, पीता रह गया, सोचेगा भी आगे क्या करना है। मयंकी भाई, बिना किसी ड्रामे के ना मुझे सच बता दो कि हुआ क्या था, इसकी कह क्या रही थी वहां पे। यार मुझे क्या पता होगा वो क्या कह रही थी। बिना किसी रीजन के ना मयंकी भाई, इसकी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती, ना ही वो किसी के ऊपर इतना नाराज होती। सो प्लीज जस्ट टेल मी कि हुआ क्या था, ऐसे घुमाओ मत बातों को। इस साले की अकल भी आज ही चलनी थी। मिंकी भाई बोलो क्या आप। हेलो मम्मी। शेखर अंकल के लिए ना कुछ दवाइयां अर्जेंटली लानी है, और अहान और मयंक तो पता नहीं कहाँ गए हैं, तू फटाफट लेकर आ जा। जी मम्मी, ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। डूड, इसलिए तुझसे बोल रहे थे कि कुछ कर। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, अबे क्या करूं? यार क्या कर रहा है, कुछ हो जाता तुझको तो। इस इश्की को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना मयंक, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। पर सच सुन तो लो इश्की, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ उसके फोटो जरूर क्लिक किए थे मैंने, लेकिन सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए। ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि जब मैं सोनू के साथ था उसी वक्त आहान का फोन आ गया था। तुम उस टाइम नशे में थी और सरला आंटी से बहस कर रही थी। मेरा यकीन करो इश्की, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं गलत तो तुमने किया है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुमने सिर्फ सोनू के साथ नहीं बाकी सबके साथ गलत किया है। ये ऐसी नहीं मानेगी, इसके साथ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सोनू, सोनू
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry, इश्क़ की. क्यों? I'm really sorry. मैं तो तुमने माफी की भी नहीं. सोनू, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे मयंक का कॉल आया था मुझसे माफी मांगने के लिए और ये बताने के लिए कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया. उसने तुम्हारी सिर्फ पिक्चर्स क्लिक की बस. तो मुझे अपने साथ क्यों लेके गया था? इससे पहले कि वो कुछ गलत हरकत करता, उसे आहान का फोन आ गया, क्योंकि मैं नशे की हालत में सरला आंटी से मिल गई थी. इसलिए आहान बार बार कॉल करके मयंक को बुला रहा था. बस 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 इसकी तुम्हारी और आहान भैया की वजह से मैं बच गई. दोनों अब सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है इश्की, मेरी सिर्फ मेरी वजह से सब हुआ है. खुद को ब्लेम करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है. सोनू, मुझे इश्की से अकेले में बात करनी है. मासी, वो मैंने सबके सामने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगी. तूने ऐसा क्यों किया इश्की? हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल, मेरा एक ही सपना था इश्की. दीदी जो जिम्मेदारी मुझे देकर गई है, मैं वो पूरी कर सकूं. अभी भी कुछ है तो बता दे इश्की. बोल, आज जो तूने किया है ना इश्की, उसका दाग सारी उम्र तक ना मैं धो पाऊंगी ना तू. बस बस शांत हो जा बेटा. सच गिर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, धुंधला सकता है, मगर कभी मिट नहीं सकता और ना ही कभी हार सकता है. तो बस रब का नाम लेकर चलती जा. देखना, एक ना एक दिन जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच तेरे साथ है और सच कभी नहीं हारता, कभी नहीं. आंटी जी, थैंक यू सो मच. आंटी, प्लीज संभालिए अपने आप को. तू तो जानता है ना इश्की को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इंसान को परखने में कोई भूल कर सकती हूँ. फिर इश्की को परखने में कैसे धोखा खा गई? तुझे लगता था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है? अगर मैं उनके पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी. आहान,
आई थिंक तुम्हें मयंक और इश्की से एक बार बात करनी चाहिए. इस तरह से किसी का रिलेशनशिप का टूटना इज नॉट गुड. मैं क्या बात करूँ रिया? ट्राई करके देखो ना, शायद वो फिर से साथ में आ सके. तुम रियली चाहती हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी ऐसी लड़की के साथ हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर चीज को खराब होते ही फेंका ना जाए. एटलीस्ट उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करनी चाहिए. और तुम दोनों के क्लोज हो? हाँ. मैं सिर्फ मयंक के क्लोज हूँ. हाँ, पर इश्की को भी तो जानते हो, उसे समझते हो, और वो तुम्हें समझते हैं. शी गेट्स यू. एक बार ट्राई करके देखो प्लीज. आग लग जाए, चोर आ जाए, किसी घर में ऐसी बहू नहीं आनी चाहिए. आई नहीं है घर में तो ससुर को हार्ट अटैक आ गया. मां चाहती तो पता नहीं क्या होता. पर मम्मी जी, इश्की ने ऐसा क्यों किया होगा? अरे क्यों किया वो छोड़, क्या किया वो देख. मयंक की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनू की शादी बर्बाद कर दी. मैं आहान से कह दूंगी, इस लड़की का हमारे घर में नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए. आप लोग ने इश्की को देखा? मुझे एक बार उससे बात करनी है. क्या बात करनी है? कोई जरूरत नहीं बात करने की. अदी, अगर मेरे बात करने से सिचुएशन संभल सकती तो मैं कुछ नहीं संभल सकती, कुछ भी नहीं संभल सकती. देख पुत्र, अगर पराए घर में आग लग जाए तो दूर से खड़े होकर दुख मनाया जाता है, जाके आग में घुसा नहीं जाता. दादी, ये पराया घर नहीं है. सुमन आंटी आपकी बेटी की तरह है. मयंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा है वो. इश्की, मेरी बात सुनो प्लीज. इश्की, मयंक. मयंक जी, मयंक. इश्की, क्या हुआ सर? तूने पिए क्या? हाँ, तू नशे में. मुझे इश्की से बात करनी है. मयंक छोड़ यार, मयंक से बात करनी है. मयंक. इश्की, मुझे नहीं पता रातों रात मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई. मुझे बस इतना पता है, अगर तुम अब भी हाँ कह दोगी ना, तो मैं सब कुछ भूलकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. इश्की, अब ये क्या नया नाटक है? मेरे पापा मुझसे दूर जा रहे हैं. प्लीज मत जाना इश्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. इश्की, आई लव यू. इश्की, आई रियली लव यू. क्या नौटंकी लगा रखी है? मयंक, तू रूम में चल. आई बेग यू, प्लीज मुझे रिएक्ट मत करो. ये नौटंकी अपने पास रखना. हो सकता है मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ और बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ. तुम जैसे भी कहो वैसे बनने को तैयार हूँ मैं. इश्की, इश्की मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की है हमेशा से. तुम्हारे वेट पर कमेंट किया, सरला आंटी को सॉरी बोलने के लिए भी मैंने कहा था. इस सारे इंसल्ट के लिए आई एम रियली सॉरी. प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो इश्की. मैं जानता हूँ इंसल्ट का बदला लेने के लिए तुमने शादी तोड़ी थी ना, बस अब हो गया ना बदला, खत्म. मैरी मी इश्की प्लीज. इश्की प्लीज. मयंक, कितनी पत्थर दिल है कुड़ी. नहीं करोगी ना शादी मुझसे? नहीं करोगी ना? मैंने ड्राइवर को बोल दिया वो गाड़ी निकाल रहा है, यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे. हाँ ठीक है, चलो. इश्की, मयंक के पास मत आना. अरे इसे लेके चलो. ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मयंक का ड्रामा है. इसने अपने जान लेने की कोशिश की और तुम कह रही हो ड्रामा कर रहे वो? छोड़ो इसे, चल के मयंक को देखो. ये सब एक ड्रामा है, पर मैं प्रूफ कैसे करूं? संभालो अपने को बेटा. मेरे पापा, अब मयंक, इस इश्की ने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया. बड़े बड़े मक्कार देखे, बस इस लड़की जैसा मक्कार नहीं देखा. गलती उस लड़की की थी, फिर भी हमारा मयंक उससे माफी मांगने गया. उसने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए उस बेचारे को ये कदम उठा. कहना तो नहीं चाहिए सुमन जी, पर गलती आपकी ही है. अब कांटे को फूल समझ रही थी तो चुभना तो था ही ना. कार्तिक, डॉक्टर ने क्या बोला? ऊपर से ही काटा है, ब्लेड नस से बहुत दूर था, तो डॉक्टर्स ने अभी सेडेटिव्स दे दिया है.
अरे सुमन जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इश्की को ऐसे ही जाने दोगी? सरला जी, ये वक्त अभी परिवार को संभालने का है। इश्की को हम लोग बाद में देख लेंगे ना। ये कोई टीवी शो नहीं हो रहा जहाँ बाद में देख लीजिएगा। उसे अभी नहीं रोका गया ना तो फिर ये गड़बड़ होते रहेगी। अभी हमें सोनू की विदाई पे फोकस करना चाहिए, न कि इन सब बातों पर। विदाई होती रहेगी, सुमन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, छोड़। हम सब तेरे साथ, तू घबरानी। लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात कहूं, कांटा खुद से निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। पुलिस को बुलाओ। दादी पुलिस क्या कर लेगी? उस लड़की को पकड़कर जेल में डालेगी, मयंक को खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में। बट दादी, और हम सब गवाही देंगे उसके खिलाफ कि उसने हमारे मयंक को सबके सामने जलील किया, बेइज्जत किया। दादी प्लीज प्लीज मत करिए ऐसा, एक बार सोच लीजिए दादी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। भाई क्या कर क्या रहे हो आप, ये गलत है भाई। ये गलत नहीं है, ये जस्टिस है। इश्की चाहती तो शांति से इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर सुमन आंटी की फैमिली का तमाशा बनाया। मयंक को हर्ट किया उसने, जैसे इश्की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.